ठीक है, इस तरह से हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख। अब फर्स्ट कोलिजन तक ही क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज जैसे ही पहला कोलिजन होगा तो ये u1 बदल जाएगा, ये कुछ u1 डैश हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा, कोलाइड होते से वो कहीं और जाने लगेगा। तो हम इसीलिए फर्स्ट कोलिजन तक कंसिडर कर रहे हैं। जैसे ही फर्स्ट कोलिजन होगा तो हम बोल देंगे सबके लिए ये u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश ऐसा कुछ हो जाएगा, सबके लिए ये जो वेलोसिटी है ये फिर कुछ u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश इस तरह से हो जाएंगे। हम फिर से यही प्रोसेस कर सकते हैं उसके बाद, बट ये वैल्यूज हमें चेंज करनी होगी। नाउ सारी इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, सारी इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर अप टू vn वेक्टर, दिस इक्वल्स u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर अप टू un वेक्टर, प्लस a सारे टर्म्स में से कॉमन tau1 प्लस tau2 अप टू Tauen। हमने सारी इक्वेशंस को ऐड कर दिया, सारी इक्वेशंस को जो है हमने ऐड कर दिया, एडिंग ऑल द इक्वेशंस, तो हमें ऐसी एक इक्वेशन मिलने लगी। नाउ What is u1 plus u2 plus u3 up to un? इन सारी स्पीड्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बता रहा है हमें, ये जो सम होगा ये क्या हमें बता रहा होगा, इसको हम सोचें। हमने क्या कहा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, इसको अगर हम कैपिटल n से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो वेलोसिटीज थी देवर बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un ये जो है डिवाइडेड बाय n, इसका एवरेज ये हमें देगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेटली जीरो होनी चाहिए, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ कैन देयर बी ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के इलेक्ट्रॉन्स अपने आप तो ड्रिफ्ट करने नहीं लगेंगे, ये तो हमें क्या बोलेगा, ये चीज अगर नॉन जीरो हुई तब तो क्या इंडिकेशन हो जाएगा, दैट विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर देर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स देर इज इलेक्ट्रिक करंट। बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के चार्जेस का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के वहां इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो गया है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। देयरफॉर दिस u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un ये जो है ये जीरो होना ही चाहिए। रीजन हम बता रहे हैं, बिकॉज इफ इट वर नॉन जीरो, इफ इट इज नॉन जीरो इट वुड इंडिकेट
एन इलेक्ट्रिक करंट विदाउट एनी सोर्स, विदाउट एनी सोर्स और विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वेलोसिटी को जीरो होना ही पड़ेगा, इस वेलोसिटी को जीरो होना ही पड़ेगा। हम चाहे तो यहां अपॉन एन लिखें ताकि और क्लियर रहे, द सम ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज अपॉन एन, ऐसा लिख ले हम, बात वही होगी, सारी वेलोसिटीज का सम जीरो ही मिलेगा उससे हमें। बात समझ में आ रही है? हम क्या कह रहे हैं, अगर ये चीज जीरो नहीं हुई देन इट वुड मीन दैट देयर इज अ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन बिफोर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले ही ड्रिफ्टिंग हो रही थी तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की जरूरत ही क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो अपने आप ही फ्लो रहे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। कोई सोर्स लगाया जाए उनको ड्रिफ्ट करवाने के लिए, उन्हें फ्लो करवाने के लिए, तभी इफेक्टिवली वहां फ्लो होना चाहिए। हम इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय कैपिटल N, ठीक है, ये बात तो पूरी हो गई, ये बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब जो इक्वेशन हमारी चल रही थी उसे हम पूरा n से डिवाइड करते हैं, होल अपॉन n इक्वल्स एक्सेलरेशन की भी मैं वैल्यू अब डाल देता हूं बिकॉज हमने वो ऑलरेडी निकाली हुई है, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ वन प्लस टाउ टू होल अपॉन एन। नाउ ये जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस टर्म, ये टर्म क्या लिखा हुआ है, दिस इज द मीन रिलैक्सेशन टाइम जो अभी अभी हमने डिफाइन किया था, कंसेप्चुलाइज किया था, दिस इज द एवरेज मीन रिलैक्सेशन टाइम जो भी अभी हमने डिफाइन किया था, कंसेप्चुलाइज किया था, ये जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज बाय डेफिनेशन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज बाय डेफिनेशन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग, जिस वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसका एवरेज, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक कोलिजन लिया है, ऐसे करके सारे कोलिजन ऐड करते जाओ तो वो ड्रिफ्ट हमें बताने लगेगा, ड्रिफ्ट हमें दिखने लगेगा उससे। तो LHS में जो टर्म लिखा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, RHS में जो टर्म लिखा है ये मीन रिलैक्सेशन टाइम है। सो अल्टीमेटली वी गेट द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाता है, इट इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम कैपिटल ई।
ठीक है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है, इट विल बी इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम कैपिटल ई, माइनस साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है वो, इसीलिए वहां पर ये माइनस साइन आ रहा है। ये जो टर्म है इसको मैंने जानबूझकर स्पेशली ब्रैकेट में लिखा है, द रीजन बीइंग इसमें ये स्मॉल ई और स्मॉल एम ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, स्मॉल ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पर ये चीज ऑल्दो इट्स ऑब्वियस नोट कर लेना, देयर इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई इज डेफिनेटली द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सो ई और एम तो डेफिनेटली कांस्टेंट ही रहेंगे, टाउ को भी मैंने ब्रैकेट में डाल लिया है बिकॉज जनरली until and unless specifically asked हम कहीं पर भी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं कंसिडर करते हैं, हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मानते हुए चीजों को डील करते हैं, until and unless specifically asked कि टेम्परेचर बदलने पर क्या इफेक्ट होगा, तो टेम्परेचर बदलने पर इफेक्ट अगर पूछा जाए तो हमने बता रखा है tau फिर डिक्रीज होगा, but otherwise ये जो हमने टर्म लिखा है ये किसी मटेरियल के लिए किसी टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगा, फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि टाउ वहां पर कांस्टेंट रहेगा तब, सो वी कैन से इन दैट केस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, जो कि होना चाहिए था ऑब्वियसली, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाए तो और ज्यादा फोर्स और ज्यादा पुशिंग फोर्स उसको फ्लो करवाने के लिए, अगर हमें उल्टा बोला जाए हमें कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखी जा रही है और टेम्परेचर को वेरी किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखी जा रही है और टेम्परेचर को वेरी किया जा रहा है, तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर यह टाउ डिक्रीज होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने लगेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग इन दैट केस, ठीक है, सो ये हमें यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाता है, वी फाइंड द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहे होंगे, स्पीड अगर हमें पूछी जाए तो सिंपली हम वेक्टर साइंस हटा देंगे और वहां का माइनस साइन हटा देंगे, ड्रिफ्ट बोल देंगे फिर उसे। अब हम आगे बढ़े और सबसे पहला अब जो हम काम करें दैट इज हाउ टू क्वांटिफाई इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट को क्वांटिफाई कैसे करें, हाउ डू वी गिव सम वैल्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को कंप्यूट कैसे किया जाए, अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे सिंपली फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो तो हो रहा है ठीक है अलग अलग तरह से हो सकता है, बट कब हम बोलेंगे कि ये फ्लो जो है ये ज्यादा करंट जनरेट कर रहा है, ये फ्लो जो है कम करंट जनरेट कर रहा है, हाउ डू वी डिफाइन, हाउ डू वी कंसेप्चुलाइज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अगेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच वी लर्न इन जूनियर क्लासेस, उस कॉन्सेप्ट में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है, सो लेट अस नाउ क्वांटिफाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक करंट को अब क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है, नाउ यहां पर इलेक्ट्रिक करंट को जब हम क्वांटिफाई कर रहे हैं हम चार्जेस के फ्लो की बात कर रहे हैं, हम चार्जेस को फ्लो होता हुआ बता रहे हैं, देन इट इज
वेरी ऑब्वियस टू डिफाइन अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. हमें चार्जेस के फ्लो का रेट डिफाइन कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में. बिकॉज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहां लग रही है, जितना ज्यादा टाइम हम उसे देंगे, ये जो चार्जेस हैं ये उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे. बट देर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन दिस फ्लो ऑफ चार्जेस एंड द टाइम दे टेक टू फ्लो थ्रू अ डिस्टेंस. तो यहां पर डेफिनेटली एक रेट टाइम के रिस्पेक्ट में एक रेट डिफाइन हमें करना चाहिए, और क्वांटिटेटिवली उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं. क्वांटिटेटिवली उसी चीज को हम इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर देते हैं. वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया और अ पॉइंट. क्या हम बोल दें, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया और अ पॉइंट. अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया और पॉइंट. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन से द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ठीक है, नाउ वी नो दैट इस तरह के रेट जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम उसे कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करते हुए, डेरिवेटिव को यूज करते हुए फिर शो करते हैं. उसे डेरिवेटिव्स को यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं. यहां पर हम चार्ज के फ्लो का रेट डिफाइन कर रहे हैं, कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इस तरह से सपोज कोई कंडक्टर है तो उसके किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, उसके किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, ये हम वहां डिफाइन करना चाहते हैं. नाउ वी नो दैट जब भी हम रेट की बात करते हैं तो रेट यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है. अगर यूनिफॉर्म होता है तो एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट सब सेम होता है और वो कांस्टेंट बना रहता है. अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हम जानते हैं वो रेट कंटिन्यूसली वेरी करेगा और हमें डिफरेंशिएशन यूज करके उस रेट को डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है, सो बिकॉज हम इस तरह के कई सारी चीजें हम देख चुके हैं. ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, अलग अलग जगह पर हम ये कॉन्सेप्ट देख चुके हैं. सो अब यहां पर उसे समझना इतना मुश्किल नहीं होगा. हम करंट को इस तरह से डिफाइन कर देंगे जैसे हम किसी भी रेट को डिफाइन करते हैं. इट विल बी डिफाइंड एज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, विच विल बी इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी. ठीक है, इस नोटेशन को, इस तरह से चीजों को लिखने का मीनिंग अब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. ये जो है ये सिंपली ये बता रहा है कि अगर रेट नॉन यूनिफॉर्म है तो हमें टाइम इंटरवल को छोटे से छोटा, कम लेना होगा.
सो दैट वी कैन डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट. अगर रेट यूनिफॉर्म है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये और ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डी क्यू बाई डी टी दोनों बराबर ही होते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है, सो हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं दैट डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन डेल्टा टी टाइम. Then the current is defined as ये जो हमने डेफिनेशन दिया है इसके पीछे जो हम फिनोमेना बोल रहे हैं दैट इन डेल्टा टी टाइम डेल्टा क्यू चार्ज flows through that cross-sectional area. If delta Q charge flows through the cross-sectional area in delta T time, then the electric current through that cross-sectional area will be defined as dQ by dt. ठीक है, इन चीजों को अब हम काफी अच्छी तरह से समझते हैं इस लेवल पर. अगर रेट यूनिफॉर्म होगा तो हम सिंपली डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बोल सकते हैं. इफ द करंट इज कॉन्स्टेंट दैट इज द रेट इज यूनिफॉर्म तो करंट को सिंपली डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी या कई जगह पर सिंपली क्यू बाय टी भी लिख दिया जाता है. इफ द करंट इज कॉन्स्टेंट विच मीन्स दैट द रेट इज यूनिफॉर्म तो हम सिंपली करंट को डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी या सीधे सीधे क्यू बाय टी ही लिख देते हैं. ओनली इफ इट्स नॉन यूनिफॉर्म तो हम ये डी क्यू बाय डी टी यूज करेंगे. ठीक है, नाउ ये करंट किस तरह से निकाला जा सकता है, या तो हमें डायरेक्टली चार्ज का अमाउंट दे दिया जाए कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, या जो दूसरा तरीका हो सकता है हमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स दे दिए जाए, हमें यह दे दिया जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या कितने प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं या कितने अल्फा पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, या तो हमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम दे दिया जाए, या फिर हमें डायरेक्टली कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में फ्लो कर रहा है ये दे दिया जाए. ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दिए हो, ठीक है, इफ डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम देन करंट जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है और इसको हम ई इंटू डेल्टा एन बाय डेल्टा टी ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम उसे हमने रिलेट कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम से. व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इनटू द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल. तो अगर हमें
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम दिए हो तो भी हम ये करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ अगेन दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम काफी इजीली समझ सकते हैं, आसानी से जानते हैं। नाउ सम इंपॉर्टेंट रिलेशन पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इलेक्ट्रिक करंट से जुड़े हुए हम हमेशा याद रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज जो हम याद रखें, क्योंकि ये चार्ज और टाइम से डिफाइन हो रहा है, विच आर बोथ स्केलर क्वांटिटीज, देयरफॉर डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेफिनेटली एक स्केलर क्वांटिटी होनी ही चाहिए। ठीक है, इलेवेंथ क्लास में जब पहली बार हम स्केलर वेक्टर पढ़ते हैं समझते हैं, तब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई इज इलेक्ट्रिक करंट नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगेन यहां पर इस लेवल पर उस चीज को समझना, उस बात को समझना बहुत ही सिंपल हो जाता है। हम डेफिनेशन से ही एक तो बता सकते हैं दो स्केलर क्वांटिटीज का रेशियो है, दो स्केलर क्वांटिटीज के बीच में रेट हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो वेक्टर हो ही नहीं सकता, इट मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सेकेंडली फिर जो हम रीजन देते हैं दैट इज इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वो वेक्टर अलजेब्रा ही फॉलो नहीं करती है, क्वांटिटी तो वो वेक्टर नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रिक करंट, ये जो इलेक्ट्रिक करंट हम डिफाइन कर रहे हैं, इट कैन बी ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस एज वेल एज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से भी हो सकता है। नाउ इफ एट एनी टाइम कहीं भी अगर दोनों ही तरह के चार्जेस फ्लो हो रहे हो तो दोनों का इफेक्ट अलग अलग होगा, दोनों का ही इफेक्ट हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। अगर एक ही डायरेक्शन में माइनस भी फ्लो कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में प्लस भी फ्लो कर रहा है, तो वो बेसिकली एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर देंगे, इफेक्टिवली नो चार्जेस फ्लोइंग। अगर माइनस और प्लस दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं सपोज एक साथ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहा है एक प्रोटॉन भी फ्लो कर रहा है, तो इफेक्टिवली तो कोई चार्ज का फ्लो ही नहीं रहा है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया इफेक्टिवली, तो वहां चार्ज जो है वो फ्लो हो ही नहीं रहा है, द नेट चार्ज फ्लोइंग विल बी जीरो, सो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक करंट, नेट चार्ज वहां फ्लो ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट वहां जीरो हो जाएगा। अब ये तो हम चार्ज के टर्म्स में बोल रहे हैं, अब इसी चीज को अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में देखें तो इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, ये भी हमें बताएगा E इंटू डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही होगा, प्रोटॉन के लिए भी यही होगा, तो वो तो हमें ये बताएगा कि इनफैक्ट जीरो नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वजह से है और वो डबल है। तो इस चीज को, इस डिलेमा को खत्म करने के लिए हमें एक कन्वेंशन सेट कर देते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन असाइन कर देते हैं। ठीक है, यहां से हमें जो है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस समझ में आता है, दैट चार्जेस के टर्म में जब हम बात करते हैं तब तो चीज ऑब्वियस हो जाती है, बट इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो इसीलिए उसे डायरेक्शन देना जरूरी हो जाता है। सो वी सेट अ कन्वेंशन, हम एक कन्वेंशन बना देते हैं। ठीक है, इसके पीछे कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है, कन्वेंशन हमेशा एक सेट कर दिया जाता है, सबके द्वारा अग्री कर लिया जाता है और वही फिर रूल के तरह फॉलो किया जाता है। सो वी सेट अ कन्वेंशन दैट
the direction of electric current will be taken as same for positive charges and opposite for negative charges. Direction of electric current is related to direction of flow of charges as case A, same direction for positive charge, opposite direction for negative charge. The direction of electric current is related to the direction of flow of charges as in the same direction for positive charge, in opposite direction for negative charges. Mostly हमें इसी का काम पड़ेगा because हमने कहा था हम metallic conductors, solid conductors की बात करेंगे और उसमें हमने कह रखा है charge carrier जो है वो electron है, electron negatively charged है. तो डेफिनेटली यहां पर हमें इस बी वाले केस का ही सबसे ज्यादा यूज होगा. ठीक है, सिंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी द चार्ज कैरियर्स. ठीक है, तो इससे अब वो डिलेमा खत्म हो गया जिसकी हम बात कर रहे थे. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो प्रोटॉन के कारण तो इधर ही मानेंगे, इलेक्ट्रॉन के कारण उसके ऑपोजिट. ये जो करंट्स है इनकी डायरेक्शन अब एक की प्लस एक की माइनस हो जाएगी. ठीक है, एक करंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में. तो फिर जो नेट करंट है वो अब हमें जीरो दिखने लगेगा, जो करंट है वो हमें जीरो दिखने लगेगा. ठीक है, तो हम करंट्स को इसी तरह से ऐड करते हैं. करंट को जो हम ऐड करेंगे उसमें हम डायरेक्शन को इसी तरह से देखते हैं. यहां ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आई कैप जे कैप ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती हमें. हमें सिंपली ये बताना पड़ता है कि वो सेम है या ऑपोजिट है. ठीक है, फ्रॉम ए टू बी है या बी टू ए है, सिर्फ इतना बताने की जरूरत पड़ती है. दैट इज वाई उसे वेक्टर बनाने की हमें नीड है ही नहीं. और फिर आगे हम देखेंगे वो वेक्टर लॉज को भी डेफिनेटली फॉलो नहीं करता है. नाउ थर्ड पॉइंट अगर हम यहां पर देखें, हम यूनिट्स की बात करेंगे. करंट की यूनिट कैसे क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट. मोस्टली इनफैक्ट हमेशा ही हम इसकी एसआई यूनिट और एसआई यूनिट के ही टर्म्स में बात करेंगे. करंट के लिए सीजीएस यूनिट तो यूज की ही नहीं जाती है, हमेशा यहां पर एसआई यूनिट में ही बात कर रहे होते हैं. नाउ एसआई यूनिट हम फॉर्मूले से देख सकते हैं क्या होनी चाहिए. इट शुड बी कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड होना चाहिए, जिसे हम नाम दे देते हैं एम्पियर. ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर हम उसे नाम दे देते हैं. कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोल देते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल ए. कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक
करंट इज वन ऑफ द सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वन ऑफ द सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है. चार्ज जो है वो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है. करंट जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है. इसीलिए हम देखते हैं कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त हमें उसे करंट के टर्म्स में लिखना पड़ता है. ठीक है, बिकॉज करंट इज अ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. इसीलिए चार्ज का जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसे हमें इस तरह से लिखना पड़ता है. ए टी उसे हम लिखते हैं बिकॉज करंट जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है राधा देन चार्ज. ठीक है, हम यहां पर चार्ज की सीजीएस यूनिट लिखकर और करंट की सीजीएस यूनिट कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बट इट इज नेवर यूज, वो कभी भी यूज नहीं की जाती है. रादर वी डायरेक्टली यूज मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर. ठीक है, हम उसके बजाय मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर यूज करते हैं. ये चीज ध्यान रहे, करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज द सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, सो इस तरह से हम करंट को क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर देते हैं. हम करंट को यहां पर वैल्यू दे देते हैं, करंट की इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है, नाउ करंट की इस वैल्यू को फाइंड करने पर अब हम ये देखना चाहेंगे, हम ये फाइंड करना चाहेंगे कि इस करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जो हम मेटालिक कंडक्टर्स के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता रहे हैं, उससे ऐसे किसे उसे इस करंट को कैसे रिलेट किया जाए. बिकॉज अगेन यहां बहुत ऑब्वियस ही बात है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेटली इस करंट से रिलेटेड होनी चाहिए. क्यों? ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये फ्लो हो रहे हैं, ये कुछ पर्टिकुलर रेट से मूव कर रहे हैं. कुछ पर्टिकुलर रेट से जब ये मूव कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर रेट से ये चार्ज आगे लेकर जा रहे हैं. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रेट से अगर ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उतने ही टाइम में वो उतना ही चार्ज भी लेकर जा रहे हैं. और हमें अगर ये चार्ज की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहां पर फिर ये इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं. ठीक है, सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट टास्क. ये अब हम फाइंड करना चाहेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ मेटालिक कंडक्टर.